हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस शो के अंदर जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो। तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी को मैं एक बार फिर से सुप्रभात कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और मैं उन लोगों को एक निवेदन और आग्रह करता हूं जो मैं रोज कर रहा हूं, और वो चीज ये है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे हम सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। और मैं जैसा रोज बोलता हूं अपने शो की शुरुआत में कि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है। तो करंट अफेयर्स जिसको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक कंसेप्ट की तरह हम करेंगे और करंट अफेयर्स हम रोज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इस वेकअप शो के अंदर, करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव के अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हम हेडलाइंस डिस्कस करते हैं कि मुख्य खबरें क्या हैं, सुर्खियां क्या हैं, और उन्हीं हेडलाइंस को हम डिटेल में जानते हैं। और अंत में इसी सेशन से जुड़ा हुआ एक क्विज भी होता है। तो देखिए, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को देख लूं एक बार, कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी मतलब वेटिंग में चल रहे थे, जुड़े हुए थे मतलब सेशन के स्टार्ट होने से पहले। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, पूर्णिमा, अश्वनी, वंदना, संजू, जॉनी, शिखा और निक, जुगराज, संजू, सभी का नाम, देखिए सभी का नाम लेना जो है वो नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि क्विज सेशन के अंदर जितने स्टूडेंट्स आंसर देंगे और जो जल्दी जल्दी आंसर देगा मैं उन सभी के नाम जरूर लूं, क्योंकि वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और उनको अप्रिशिएट करना ये जिम्मेदारी बनती है मेरी। तो देखते हैं फटाफट हम कहां किसकी तरफ बढ़ेंगे, तो हेडलाइंस की तरफ बढ़ेंगे, मुख्य खबरों की तरफ, उसके बाद विस्तार से जानेंगे उन्हीं हेडलाइंस को, फिर क्विज की तरफ चलेंगे। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हेडलाइंस दिख रहे हैं, तो ठीक, हाँ जी हाँ, हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली हेडलाइन है कि इंडिया और इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है गरुड़ शक्ति, वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर, उसको जरूर जानेंगे। इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज गरुड़ शक्ति। देन इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसका क्या थीम रखा जाएगा, और हर साल कोई ना कोई देश उसे आयोजित करता है, इस साल उसे इंडिया आयोजित करेगा, उसे इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। देखिए फोकस करिए, गुड मॉर्निंग हो चुका है, सुप्रभात हम कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हर रोज का कि करंट अफेयर्स को हमने करना है, उसकी तरफ हम बढ़ चले हैं। तो पहला न्यूज, पहला हेडलाइंस जो है वो ये, इंडिया इंडोनेशिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा वो पिछली हेडलाइंस की तरफ ले चले हमें, और हमें वो हेडलाइंस जरूर दिखाएं क्योंकि अभी पूरा डिस्कस नहीं हुआ था, पिछली हेडलाइंस की तरफ हम चलेंगे जरूर। तो देखिए, इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, देन इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस को इस साल इंडिया होस्ट करेगा। देन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जैसा कि हमारे व्यूअर्स हमें बता रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, लेकिन कल जो एक दिवस मनाया गया येस्टरडे, तो वो कौन सा डे था, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का एक विश्व दिवस था जो कल मनाया गया, उसके बारे में भी जानेंगे। देन इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 2 मिसाइल, 6 फरवरी और 7 फरवरी को अग्नि 1 मिसाइल और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, और कल 20 फरवरी को अग्नि 2 मतलब अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, हम उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। देखिए ये कुछ मुख्य खबरें, और कुछ मुख्य खबरें और हैं जो आपके सामने अब आपको दिख रही होंगी। देन कोबरा गोल्ड 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन थाईलैंड। देखिए कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज जो है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एज अ मेजर कंट्री, लेकिन ये है बहुत जरूरी क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, कोबरा गोल्ड 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज, उसको भी जानेंगे। देन USIBC, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, हम उसके बारे में जानेंगे कि फॉर्म्स इंडिया एडवाइजरी काउंसिल टू इनहेंस बायलेटरल टाइज, तो अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए USIBC ने एक इंडिया एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, हम उसके बारे में जानेंगे। देन यूके इंडिया लॉन्च
ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन क्लीन वाटर एंड एनर्जी। तो क्लीन वाटर मतलब किस तरह से जल की सफाई और एनर्जी जो है उसको कैसे क्लीन किया जाए, उसके लिए एक ज्वाइंट शोध जो है, रिसर्च जो है, उसको यूके और इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया जो है वो ज्वाइंट रिसर्च कर रहा है, किस चीज के ऊपर, क्लीन वाटर के ऊपर और क्लीन एनर्जी के ऊपर, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या लॉन्च किया है, मिशन बुनियाद को लॉन्च किया है टू इंप्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों के लर्निंग स्किल्स को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या लॉन्च किया है, मिशन बुनियाद, उसके बारे में भी जानेंगे। तो दीज आर दी हेडलाइंस, ये कुछ सुर्खियां थी जो अभी हमने सिर्फ रीड करी हैं कि कौन कौन से मुख्य खबरें हो सकती हैं। अब इन्हीं खबरों को हम जानेंगे विस्तार से और उसके बाद लास्ट में जो हमारा सेशन होगा, क्विज सेशन, वो भी चलेगा। लेकिन बीच बीच में कुछ जानकारियों का दौर और कुछ क्विजेस का दौर बीच बीच में भी चलता रहेगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। तो उन सभी चीजों के साथ और एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक फाइन ऑब्जेक्टिव के साथ। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जो है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक और शेयर से क्या होता है ना, एक एप्रिसिएशन मिलता है जिससे हमारे अंदर भी एनर्जी आती है कि विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी रुकावट, हिंड्रेंस, हम आपकी सेवा में लगातार बने रहेंगे। जहां पर खबरें जो हैं रोज बनाकर हम आपके सामने लेकर आते हैं, उन खबरों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भरपूर बेनिफिट और फायदा मिल सके। तो उसके लिए हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। तो आपके भी हौसला अफजाई मैं करता हूं और आपको सलाम करता हूं कि आप सुबह सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीम से और भी स्टूडेंट्स, दोस्तों को जोड़िए और उनकी नींद भी खराब करिए आप। और उसके बाद जो है हम चलते हैं इसी खबर को, जितने भी हेडलाइंस हमने पढ़े हैं उसको हम विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि व्यूअर्स इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, हेडलाइंस के ऊपर क्या कह रहे हैं वो। तो देखिए, फर्स्ट न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स की तरफ एक निगाह मार लेता हूं और फिर चलता हूं पहली खबर की तरफ। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो सभी बच्चे जो है बिल्कुल देखिए, कोहिनूर जो है हमारी टीम का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है। इंडियन रेलवे फैंस को बता दूं तो वो जो बाइक है वो हमारे टेक्निकल टीम के एक मेंबर की है, जिसका नाम मैंने कोहिनूर रखा है। वो बड़ा कीमती है और बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तो उस लड़के की और उसके साथ सुरभित जी जो है हमारे टेक्निकल टीम के बहुत ही शानदार मेंबर जो है, आप उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि वो बड़ा दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, सर शेयर करने के लिए बोलिए, सर ये करने के लिए बोलिए। तो खैर, वो चीजें भी चलती रहेंगी, टेक्निकल टीम का अपना काम भी चलता रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा और आपका काम भी चलता रहेगा। तो इन सभी चीज के बाद हम फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल, मतलब एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति बिगिंस इन बांडुंग। तो बांडुंग इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है जहां पर इंडिया और इंडोनेशिया जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसको इन्होंने शुरुआत करी। देखिए, ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं या मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं दो देशों के बीच में, या दो से ज्यादा देश जो है आपस में सैन्य अभ्यास करते हैं या एयर अभ्यास करते हैं या नेवल अभ्यास करते हैं, करने का कारण क्या होता है कि अपने आप को किस तरह से और अच्छा बनाना है और अपने आप को किस तरह से प्रैक्टिस करके कि आने वाले टाइम में अगर कोई वॉर का सिचुएशन आ जाए, टेररिज्म को अगर काउंटर करना हो, या हम क्लोज क्वार्टर अगर हम कॉम्बैट की बात करें, उन सभी सिचुएशंस के अंदर हमारी फौज, हमारी सेना जो है वो हमेशा तैयार रहे। तो उसके लिए एक अभ्यास की जरूरत होती है। तो हम दो देशों के साथ मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं, एक बिल्कुल एक ऐसा ड्रिल करते हैं जो बिल्कुल युद्ध जैसा होता है, वॉर जैसा होता है, जिससे हमारे सैनिकों को एक प्रॉपर अभ्यास मिल जाता है। और अगर हम छोटे देशों के साथ कर रहे हैं तो इट मींस उनको इंप्रूव करने के लिए हम उनके साथ ये अभ्यास करते हैं। तो इनका एक कोड नेम दिया जाता है और वो कोड नेम है गरुड़ शक्ति। तो इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति बिगिंस इन बांडुंग। तो ये देखिए, सिक्स्थ एडिशन है इसका, मतलब छठी बार इंडिया इंडोनेशिया जो है ये गरुड़ शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास कर चुका है। और ये कहां पर हो रहा है, बांडुंग में हो रहा है, द कैपिटल ऑफ वेस्ट जावा प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में एक प्रांत है जिसका नाम है वेस्ट जावा, और वेस्ट जावा का कैपिटल है बांडुंग, वहां पर ये एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि इंडिया इंडोनेशिया उसका कोड नेम क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज का और वो कहां पर
हुआ। तो देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ जाकर इसी खबर को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। डिटेल्स अबाउट सिक्स एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति। तो दिस ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेज विल कंटिन्यू टिल मार्च 4, 2018। तो 4 मार्च 2018 तक, जो अभी कल ही शुरू हुआ है, 4 मार्च 2018 तक ये चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है गरुड़ शक्ति का? इज टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन द टू आर्मीज। मजबूत बनाना है रिश्तों को दोनों आर्मीज के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। एंड टू इनहेंस, किस चीज को बढ़ोतरी करनी है? देयर एबिलिटी टू अंडरटेक ज्वाइंट टेक्टिकल लेवल ऑपरेशन। तो कुछ भी ऐसा स्ट्रेटेजिकल टेक्टिकल ऑपरेशन अगर होता है तो वहां पर उन दोनों का एक एबिलिटी जो है उसमें बढ़ोतरी हो, उनके योग्यता में बढ़ोतरी हो। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इंडियन एंड इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेज will engage in counter terrorism operation। आज की डेट में युद्ध बहुत बड़ा खतरा नहीं है। कुछ देश और बहुत सारे देश जो है वो वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद युद्ध से, वॉर से परहेज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो आज के कंटेम्पररी टाइम में है वो है टेररिज्म, आतंकवाद। तो आतंकवाद से किस तरह से मतलब लड़ा जाए और उसको कॉम्बैट, उसके अगेंस्ट फाइट किया जाए, उसके लिए एक्सरसाइज। देन क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। तो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का मतलब होता है कुछ कम जगह के अंदर जब अचानक से कुछ हमला हो जाए और कुछ उस तरह की गतिविधि हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड अदर एरियाज ऑफ स्पेशल ऑपरेशन। तो और भी एरियाज के अंदर जो है वो इसके लिए ऑपरेशन को बिल्कुल करेंगे। तो इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास का कोड नेम क्या है? गरुड़ शक्ति। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह खबर जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, अभी नहीं बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम मुझे बताइए फटाफट, और मैं आपके व्यूज का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही जानकारी जो है मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए उमेश जांगीर जी जो हैं उन्होंने आंसर दे भी दिया है, संजू मीना उन्होंने भी आंसर दिया है, सभी सही है। हर किरण, अश्विनी आनंद जो है सभी सही है, तो उन सभी का आंसर जो है सही है। तो हम चलते हैं उसकी तरफ, और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इंडोनेशिया की कैपिटल, उसकी करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम फटाफट बोलेंगे, और हम फिर नेक्स्ट खबरों की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट उन खबरों को खत्म करके क्विज के सेशन की तरफ भी बढ़ चलेंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम लाइव स्ट्रीम को, जो अभी अपकमिंग, आपका अपकमिंग कह रहा हूं, जो अभी लाइव स्ट्रीम चल रहा है उस लाइव स्ट्रीम को आपने शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, कि हमारा जो एक सिलसिला है, हमारा जो कारवा है ना, वो बढ़ता ही जाएगा। कारवा पीछे नहीं छूटेगा, कारवा बढ़ता ही चलेगा। और हमने परसों मतलब द डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने 100 का मार्क्स छुआ था, और कल 130। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि 200 दोहरा शतक जो है ना वो हम जरूर मारेंगे। लेकिन अब बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और देखते हैं कि आप कितने सही हो, नेक्स्ट स्लाइड में जाकर उसका आंसर ले लेते हैं बिल्कुल। और टेक्निकल टीम तो 250 का टारगेट दे रही है, खैर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं इंडोनेशिया की कैपिटल, करेंसी और उनके प्रेसिडेंट का नाम। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट सही हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी रुपया, RUPIAH रुपया, और करंट प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो, जोको विडोडो द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, करेंसी इंडोनेशियन रुपया और कैपिटल इज जकार्ता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहली खबर, मुख्य खबर जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगली खबर को और भी विस्तार से। इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। 5 जून को हर साल, 5th of June को एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, और कोई ना कोई देश हर साल उसे आयोजित करती है। और इस साल 2011 में इंडिया ने लास्ट टाइम इसको आयोजित किया था, और इस साल फिर से इंडिया इसको आयोजित कर रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन, तो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे एनवायरमेंट के, डॉक्टर हर्षवर्धन अनाउंस दैट दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन ऑन June 5, 2018 will be hosted by India। तो keywords क्या निकल कर आ रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2018, World Environment Day 5 June 2018 hosted by India। तो उसे कौन मेजबानी उसकी कौन करेगा, आयोजन कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो नेक्स्ट करते हैं, बढ़ते हैं और इसी खबर को बड़े मतलब डिटेल में जानते हैं कि क्या चीज है ये। On February 19, 2018 Union Environment Secretary, तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण सचिव जो है, सेक्रेटरी जो है, सीके मिश्रा, साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट
इंटेंट मतलब कि हमारी इंटेंशन है कि वी वांट टू होस्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और हम हमारी भावना है और हमारी इंटेंशन है कि हम इस चीज को होस्ट करना चाहते हैं, तो लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं उसको. लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट द WED, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन इंडिया, इन प्रेजेंस ऑफ एरिक सोलहेम, द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. तो इस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो वो इसका आयोजन करती है. और थीम देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए मैंने बोल्ड लेटर में यहां पर थीम का भी नाम लिख दिया हुआ है. और थीम क्या है? दिस ईयर्स थीम ऑफ WED विल बी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है, हराना है. तो क्यों? एम्ड एट डिस्करेजिंग यूज ऑफ हजार्डियस प्लास्टिक. तो जो खतरनाक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक ऑलरेडी बहुत खतरनाक होता है एनवायरनमेंट के लिए, तो प्लास्टिक को हराना है, प्लास्टिक के यूज को बिल्कुल खत्म कर देना है. तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. और एवरी ईयर अ डिफरेंट कंट्री होस्ट द ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ WED. इंडिया प्रीवियसली होस्टेड WED ग्लोबल सेलिब्रेशन इन 2011, और इंडिया ने लास्ट टाइम 2011 में इसको होस्ट किया था. तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन होस्ट करेगा 5 जून 2018 को? इंडिया. और इसका थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. और हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे अगली खबर को विस्तार से. वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. तो विश्व दिवस मनाया गया सामाजिक न्याय के ऊपर, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. तो ऑन 20 फरवरी आपको क्या याद रखना है? 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वॉज ऑब्जर्व ऑल ओवर दी वर्ल्ड. तो पूरे विश्व में विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है उसे मनाया गया. तो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जानेंगे. लेकिन देखिए, ये UNO यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में इसको अडॉप्ट किया था, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को. 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अंदर इसका एक अडॉप्शन हुआ था. इसको माना गया कि हर साल 20 फरवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाएंगे. और इसके अंदर वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए काफी सारी चीजों को जोड़ा गया. और देखिए, जब हम वर्कर्स की बात करते हैं, लेबर्स की बात करते हैं, तो ILO की बात जरूर आती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात जरूर आती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन की बात जरूर आती है. तो आप मुझे बताइएगा कि ILO जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है और उनके डायरेक्टर का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताइए. और तब तक हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में करते हैं. कमेंट बॉक्स में ILO की जो क्विक फैक्ट्स है वो आप जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे. और मैं बढ़ता हूं इसी न्यूज को थोड़ा सा विस्तार में जानने के लिए. तो ऑन 26 नवंबर 2007 द UN जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 20th फरवरी एज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. 2007 में अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को 20 फरवरी को मनाने के लिए. दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू इंप्रूव एफर्ट्स टू मैनेज इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और इससे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं उसको डील करने के लिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो है, इसका आयोजन किया जाता है. और जैसा मैंने आपसे जानकारी पूछी, जो अगली स्लाइड में आपके लिए मैंने दे रखी है, तो आपको उससे बिल्कुल, तो इसका आंसर जो है, आंसर आ रहा है स्टूडेंट का, और देखते हैं आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. हेडक्वार्टर मैंने पूछा ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा. तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. मोहम्मद इकबाल जी थोड़ा इस इंफॉर्मेशन को सही कर लीजिए, वॉशिंगटन DC नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. और बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेकिन हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी जानकारी जो है वो क्या है हमारे सामने, जो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर ले लीजिएगा. बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं द थीम क्या रखा इसका. तो थीम जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का थीम क्या रखा? वर्कर्स ऑन द मूव, द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस. तो वर्कर्स जो है एक मूव के ऊपर है, मतलब एक मूवमेंट के ऊपर है. वर्कर्स ऑन द मूव, द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस. तो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्च, खोज. तो क्वेस्ट का मतलब खोज होता है. तो सामाजिक न्याय किनको दिया जाए? वर्कर्स को दिया जाए, कामगारों को दिया जाए, लेबर्स को दिया जाए. तो वर्कर्स ऑन द मूव, द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस. तो उन लोगों को सामाजिक न्याय जो है वो जरूर मिलना चाहिए. किन लोगों को? वर्कर्स को मिलना चाहिए. और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये फॉर्म्ड कब हुआ था? 1919 में, वर्ल्ड वॉर वन के बाद. वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1913-18, तो 1919 में, 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ. और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? मिस्टर गाय
राइडर्स, मिस्टर गाय राइडर्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसा सभी स्टूडेंट्स ने व्यूअर्स ने बताया, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे अगली खबर को बिल्कुल डिटेल में, विस्तार से जानेंगे, और देखते हैं कितने व्यूअर्स हमारे साथ और जुड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, लाइव स्ट्रीम को, अगर आपको हमारा एफर्ट और हर सुबह आपको आपका एफर्ट भी, देखिए आपका एफर्ट बिल्कुल भी कम नहीं है, आप सुबह 8 बजे जागना और जुड़े रहना करंट अफेयर्स के साथ, तो मैं इस चीज का मतलब आपको ही मतलब यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ, और उस क्रेडिट के हकदार आप भी इक्वली हैं। तो हम दोनों के एप्रिसिएशन के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और मेक माई एग्जाम के एफर्ट के लिए, आप इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। और हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ चले हैं, और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 2 मिसाइल। तो अग्नि 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिया ने। तो देखिए, मिसाइल से जुड़ी हुई जानकारी कंपिटेटिव एग्जाम्स में कैसे पूछी जाती है, मिसाइल, किस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया, कब किया गया, ये पूछा जाता है। देन उसके बाद मिसाइल को कहां से टेस्ट फायर किया गया, ये पूछा जाता है। देन उसके बाद मिसाइल का रेंज कितना है, और मिसाइल को डेवलप किसने किया, तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी को कौन डेवलप करता है, DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म बताइए और DRDO के चीफ का नाम बताइए, तब तक ये खबर जो है मैं आपके लिए विस्तार से पढ़ देता हूं। ऑन 20th February 2018 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 2 मिसाइल फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा के तट अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसका पहला नाम विलर आइलैंड हुआ करता था, विलर आइलैंड, उनका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर पड़ा, अब्दुल कलाम आइलैंड, और वो कहां पर है, ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया, किसका, अग्नि 2 का, जो मीडियम रेंज का एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और इसकी रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर, और ये कहां से किया गया टेस्ट फायर, तो ओडिशा के तट अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो इसी खबर को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, लेकिन जो बातें याद करने लायक हैं वो ये कि अग्नि 2 मिसाइल मीडियम रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, रेंज इसका है 2000 किलोमीटर, और ये कहां से छोड़ा गया, तो इसको कहां से टेस्ट फायर किया गया, तो ओडिशा के तट अब्दुल कलाम आइलैंड से। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं इसी खबर को थोड़ा और डिटेल में, और जानते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे और जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अग्नि 2 मिसाइल हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर की रेंज, मतलब चाइना और पाकिस्तान जो है ना, हमारी जद में आ चुका है, हमारे रडार में आ चुका है। इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM बोलते हैं। अग्नि 5 जो है ना, वो ICBM मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज क्यों, क्योंकि 2000 किलोमीटर का रेंज है। ट्रायल ऑफ अग्नि 2 मिसाइल वॉज कंडक्टेड फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर एट द लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। द टेस्ट वर कंडक्टेड बाय आर्मीज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। लॉजिस्टिक सपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाई द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जैक्टली DRDO का फुल फॉर्म आप सभी का सही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके चीफ का नाम क्या है, S. क्रिस्टोफर। अग्नि 2 मिसाइल इज 20 मीटर लॉन्ग, ये 20 मीटर लंबा। इट हैज अ लॉन्च वे ऑफ 17 टन्स, और इसका जब ये लॉन्च करते वक्त ये कितने वजन का, 17 टन्स का। और इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग, और ये कितना कैपेबल है कैरिंग करने का, अ पेलोड ऑफ 1000 kg अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर, और 1000 किलो तक का ये वजन जो है उसे पिक कर सकता है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 2000 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह खबर जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करेंगे, और मैं सभी व्यूअर्स का नाम अगर कोशिश करता हूं कि मैं ले सकूं, बहुत ज्यादा मतलब कह ले कि कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, जिसका मैं पूरा पूरा सम्मान रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दोनों बहुत जरूरी है, आपका भी मेरा भी। और लाइक करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव वीडियो को, जो अभी अपकमिंग कह रहा हूं, फिर से बार बार जबान फिसल रही है मेरी, जो अभी लाइव वीडियो चल रही है, उस लाइव वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। तो बिल्कुल, मोहम्मद इकबाल, कुलदीप, मोहम्मद शाहजहां, संजू, राजेश, उमेश, निक, मिशी अभियांग, जॉनी त्यागी, अश्वनी आनंद, हरकिरण कौर, सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। और हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ चले हैं, और जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है,
कोबरा गोल्ड 2018। देखिए फिर से एक कोड नेम, जैसा मैंने बताया कि सैन्य अभ्यास या हम कह लें कि मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज या एयर एक्सरसाइज, उन सभी के कोड नेम होते हैं। तो कोबरा गोल्ड 2018 एक मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन थाईलैंड, तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया ऑन 13 to 23 फरवरी। तो 13 से 23 फरवरी 13 to 23 फरवरी 2018 कोबरा गोल्ड 2018 एंड इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड इन थाईलैंड। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। और ये कौन कौन से देश कर रहे हैं उसके बारे में जरूर जानेंगे विस्तार से। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में और कौन कौन से फैक्ट जो है जरूरी हो सकते हैं। कोड नेम क्या है? कोबरा गोल्ड 2018 और ये इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज और ये कहां पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं इसको और डिटेल में और जानते हैं इसको और डिटेल में। नेक्स्ट मूव करेंगे और जानेंगे इसको थोड़ा और विस्तार से। और तब तक मैं व्यूअर्स के व्यूज भी देखूंगा। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कोबरा गोल्ड 2018, तो उसका ओपनिंग सेरेमनी जो है वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय रॉयल थाई आर्म फोर्सेस जनरल थानचियान सिरसुआन और मिस्टर ग्लैन टी डेवियस यूएस एम्बेसडर टू थाईलैंड एंड लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस निकोलसन कमांडर थर्ड मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स एट द रॉयल थाई नेवल एविएशन डिवीजन यू तपाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन चौनबुरी प्रोविंस। तो चौनबुरी प्रोविंस में इसका आयोजन किया गया। देखिए इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, मैं क्लियर कर दूं इस चीज को। कोबरा गोल्ड 2018 आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज विच वॉज हेल्ड इन, मतलब 13 to 23 फरवरी कहां पर हो रहा है ये? तो ये थाईलैंड में हो रहा है। और दिस इज द 37th एडिशन ऑफ द कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज और ये 37th एडिशन है इस कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज का। इट इज को स्पॉन्सर्ड बाय द रॉयल थाई आर्म्ड फोर्सेज एंड द यूएस आर्म्ड फोर्सेज। और कोबरा गोल्ड 2018 हैज फुल पार्टिसिपेशन फ्रॉम, और कौन कौन से देश जो हैं इसमें पूर्णतः मतलब भागीदारी कर रहे हैं, फुल पार्टिसिपेशन है किन किन देशों का? थाईलैंड का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इंडोनेशिया का, जापान का, मलेशिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। तो दीज आर दी कंट्रीज जो कोबरा गोल्ड 2018 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जो कहां पर हो रहा है? थाईलैंड में हो रहा है। कब से कब तक? 13 to 23 फरवरी। तो उम्मीद करता हूं कि यह खबर बहुत ही आसान है जो आपको जरूर समझ में आई होगी। थाईलैंड की कैपिटल और थाईलैंड की करेंसी जो है ना वो जरूर बता दीजिए मुझे, जो बहुत ही आसान है, थाईलैंड की कैपिटल और थाईलैंड की करेंसी। और हम नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे अगली खबर को विस्तार से, और तब तक व्यूअर्स के व्यूज भी जानते हैं और शेयर मैक्सिमम करने को मैं बोल रहा हूं। अगर अगर आपको मेक माई एग्जाम का और करंट अफेयर्स द वेकअप शो का एफर्ट, मतलब बहुत टाइम हो चुका है हमें इस शो को लाते हुए, मतलब मोर देन 1.5 मंथ्स हो चुके हैं, और अगर आपको हमारा एफर्ट जो है वो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इस लाइव वीडियो को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सजेशंस अपने देते रहिए, और उस सभी का हम इस्तकबाल करेंगे और उसको हम जरूर आगे जो है फॉलो करेंगे। तो देखिए कोबरा गोल्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी। कोबरा गोल्ड 2018 विल फोकस ऑन अ कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड ह्यूमैनिटेरियन सिविक एसिस्टेंस एक्सरसाइज। ये इन सभी की चीजों का पर्पस क्या होता है कि एक अभ्यास मिल सके सभी सैनिकों को, और इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव रीजनल सिक्योरिटी। तो जो रीजनल क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको एक ऑब्जेक्टिव जो है उसका इंप्रूव किया जा सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी समुद्र की सुरक्षा की जा सके, एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, और जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनके बीच में एक इंटर ऑपरेशन जो है वो जरूर बन सके। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स, मेयर दी ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन जो कैची पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। कोबरा गोल्ड 2018 और ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो थाईलैंड में हो रहा है और 13 से 23 फरवरी तक। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और व्यूअर्स से मैंने पूछा थाईलैंड जो है उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी क्या है। थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी एग्जैक्टली सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है बाट, BAHT, बाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम मूव करेंगे और अगली खबर को हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि अगली खबर क्या है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, और वो बार बार बोलना जो है ये एक आपको कंपेलिंग लग सकता है, लेकिन स्टिल इसी चीज को हमने अप्रिशिएट करना है और इसी चीज को हमने आगे कोऑपरेशन के साथ
हमारा जो एक मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ने से क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग कर सकेंगे, एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन जो है, एक पॉजिटिव डिस्कशन जो है इस मंच के माध्यम से, इस स्टेज के ऊपर हो सकेगा। और यहां पर अगर हम इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कॉम्पिटिशन कहते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन को ला पाए, तो उससे हमारी जीके जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जीके जो है, करंट अफेयर्स जो है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जो है, वो विदाउट पार्टिसिपेशन जो है वो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। बाकी कुमार संभव संभव करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन के बगैर कभी कुछ भी संभव नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन का बड़ा होना जरूरी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ चले हैं। और देखिए आपकी तरफ वो जो अगली खबर है वो दिख रहा होगा आपको। आप हमें प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ले चले टेक्निकल टीम जी, और थोड़ा सा सजग आपको भी रहना पड़ेगा और प्रीवियस स्लाइड की तरफ ले चले हमें। अभी वो न्यूज कंप्लीट नहीं हुआ था और वो प्रीवियस स्लाइड जो है ये एग्जैक्टली ये न्यूज आपके सामने, USIBC फॉर्म्स इंडिया एडवाइजरी काउंसिल टू एनहांस बायलेटरल टाइज। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, तो USIBC का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया बिजनेस काउंसिल, एक व्यवसायिक परिषद है इसका, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। अ बिजनेस एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एडवाइजरी काउंसिल टू इनहेंस बायलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो किस तरह से इंडिया और यूएस के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने, एक समझौता बने, जिससे इंडिया और यूएस जो है अपने बिजनेस को और ज्यादा, मतलब कह सकते हो आप कि बढ़ा सके, इनहेंस कर सके, और जिसको एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक ऐसा संगठन जो बिजनेस और आप व्यापार को वकालत करता है, उसकी वकालत करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूएस और इंडिया के बीच में व्यापार को बढ़ा सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया के कुछ पर्सन को मिलाकर एक इंडिया एडवाइजरी काउंसिल बनाया है, और उस काउंसिल के अंदर कुछ बिजनेसमैन को शामिल किया है जो आइडियाज दे सके, आइडियाज जनरेट कर सके कि किस तरह से यूएस और इंडिया के बीच में बायलेटरल टाइज जो है, द्विपक्षीय रिश्ता जो है दोनों देशों के बीच में, वो किस तरह से और इनहांस करा जा सके थ्रू बिजनेस रिलेशन, थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कि ये न्यूज क्या है। और तब तक जो है बिल्कुल USIBC के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं जानकारी दे रहे हैं, और उसकी जानकारी अगली स्लाइड पे जरूर है। इंडिया एडवाइजरी, कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इंडिया एडवाइजरी काउंसिल हैज 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग अरुण कुमार, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ KPMG इंडिया। तो KPMG देखिए वन ऑफ द बिग फोर कंपनीज के अंदर KPMG आता है, डेलॉयट आता है, अर्नस्ट एंड यंग आता है, एंड पावर वाटर हाउस कूपर आता है। तो इस तरह की जो कंपनीज है, KPMG कंपनी के सीईओ, इंडिया के सीईओ अरुण कुमार, देन प्रमाथ राज सिन्हा फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 9.9 मीडिया, क्रिश अय्यर फ्रॉम वॉलमार्ट इंडिया, मनोज अदलाखा फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, देन वनीता नारायण फ्रॉम IBM इंडिया, निशीत देसाई फ्रॉम निशीत देसाई एंड एसोसिएट्स, एंड प्रबल चक्रवर्ती फ्रॉम बोस्टन साइंटिफिक। और उसके अलावा और भी मेंबर्स हैं, उद्यांत मल्होत्रा फ्रॉम डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रेखा मेनन फ्रॉम एक्सचेंचर, एंड निवृत्ति राय हेड ऑफ इंटेल इंडिया आर अदर मेंबर्स ऑफ द इंडिया एडवाइजरी काउंसिल। देखिए इनके नाम उतने ज्यादा जरूरी नहीं है कि इंडियन एडवाइजरी काउंसिल के कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो आपसे पूछा जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम्स। हम इस एस्पेक्ट से कह सकते हैं कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज क्या है। तो इंडिया एडवाइजरी काउंसिल USIBC ने एक फॉर्म किया है जिसके अंदर आप सभी को इनका नाम पता लगा, CEOs है, कोई डायरेक्टर है, कोई MD है, और ये सभी किन किन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कमर्स ट्रेड की क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका योगदान, इनका आइडिया, इनका इनोवेशन जो है वो इंडिया और यूएस के बायलेटरल रिलेशन, दो रिश्तों के बीच में द्विपक्षीय रिश्ता बोलते हैं, बायलेटरल रिलेशन को और ज्यादा सुधार की तरफ लेकर जाएगा, और ज्यादा इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। और उसके बढ़ाने से क्या होगा, तो उसके बढ़ाने से इंडिया और यूएस जो है वो बिजनेस के अंदर और ऊपर आएगा, और हमारी GDP जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो और अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दोनों तरफ से बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है। तो अब जानते थोड़ा सा USIBC के बारे में, तो देखते हैं USIBC क्या कहता है, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और देखेंगे USIBC के बारे में। तो क्विक फैक्ट्स अबाउट USIBC, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, फॉर्मड इन 1975, हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन DC USA, और करंट चेयरमैन कौन है, निशा देसाई बिस्वाल। तो ये कुछ क्विक जानकारी है, फॉर्मड इन 1975, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC USA जो कैपिटल है, और करंट चेयरमैन निशा देसाई बिस्वाल।
नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और अगली खबर को डिटेल में जानते हैं। यूके इंडिया लॉन्च ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन क्लीन वाटर एंड एनर्जी। तो क्लीन वाटर की, जल की सफाई किस तरह से की जा सके और एनर्जी को लेकर एक उन्होंने, यूके और इंडिया ने ज्वाइंट रिसर्च को, मतलब ज्वाइंट शोध को लॉन्च किया। तो यूके इंडिया ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन वाटर क्वालिटी रिसर्च, तो वाटर की क्वालिटी जो है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सके और एनर्जी डिमांड रिडक्शन इन बिल्ट इन्वायरमेंट। बिल्ट इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा अपने आसपास बनाए गए इन्वायरमेंट को, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गए और इस तरह की कंक्रीट इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन्वायरमेंट। तो बिल्ट इन्वायरमेंट में जो एनर्जी की डिमांड्स बढ़ती जा रही है उस डिमांड को रिड्यूस करना कि किस तरह से एनर्जी की डिमांड को रिड्यूस करके हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ चलें और वाटर, जल और जल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको कौन नहीं जानता है, उस मुद्दों से जुड़े हुए वो बातें जो है हमने जरूर करी और वहां पर ज्वाइंट रिसर्च किया जाएगा कि किस तरह से यूके इंडिया जो मिलकर है क्लीन वाटर को लेकर और क्लीन एनर्जी को लेकर अपना क्वालिटी जो है उसे इंप्रूव करेगा, ज्वाइंट रिसर्च करेगा। तो यूके इंडिया लॉन्च ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द प्रोजेक्ट वर लॉन्च बाय नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वी के सारस्वत। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? ऑटोमेटिकली जिसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, तो नीति आयोग के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? पीएम। और उनके बाद उनके डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे सीईओ या डायरेक्टर और उनके अलावा फुल टाइम मेंबर्स जो हैं, तो उन फुल टाइम मेंबर में वी के सारस्वत का नाम भी आता है। और वी के सारस्वत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी आशुतोष शर्मा और रिसर्च काउंसिल यूके इंडिया डायरेक्टर डेनियल शाह, तो इन सभी ने मिलकर इस ज्वाइंट रिसर्च को लॉन्च किया। तो मुख्य नाम कौन है? नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के सारस्वत। और वाटर क्वालिटी रिसर्च प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोजेक्ट्स, तो वाटर क्वालिटी रिसर्च प्रोग्राम के अंदर 8 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। और एनर्जी डिमांड रिडक्शन इन बिल्ट एनवायरनमेंट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, वाटर को लेकर 8 प्रोजेक्ट्स और एनर्जी को लेकर 4 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया इस इन दिस यूके इंडिया ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट। और टोटल अमाउंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज अप टू 15 मिलियन पाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन करने वाली बात है कि यूके इंडिया ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन क्लीन वाटर एंड एनर्जी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना है? तो अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन पाउंड। तो ये आपको जरूर याद रखना है। नीति आयोग के बारे में आपको जानकारी दे दी और जितने भी यहां से कीवर्ड्स जुड़ते हैं वो आपको बता दी। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि क्लीन वाटर और एनर्जी के ऊपर ज्वाइंट रिसर्च करने के लिए इंडिया ने किस देश के साथ अग्रीमेंट किया है, तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूके के साथ किया है और उसकी जानकारी ऑलरेडी हम जान चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि कुछ और अगर इससे जुड़ा हुआ है। तो दीज प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड बेनिफिट्स एंड रिसर्च सॉल्यूशन टू बोथ यूके एंड इंडिया। दे आल्सो वर्क टुवर्ड्स शेयर्ड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ क्लीन वाटर एंड क्लीन एनर्जी। बार बार मैं अपने करंट अफेयर्स द वेकअप शो के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर चुका हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में हम सतत विकास बोलते हैं कि विकास हमेशा लगातार होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के थ्रू कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर इन्वायरमेंट डिप्लीशन नहीं होना चाहिए। मतलब आर्थिक विकास आपका जरूर हो, लेकिन उसके कारण इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जो है ना उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को लेकर इस चीज का रिसर्च प्रोग्राम और इस अग्रीमेंट को साइन किया गया बिटवीन यूके एंड इंडिया। नेक्स्ट मूव करते हैं और अगली खबर को जानेंगे और उसके बाद ये लास्ट न्यूज है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है अब आ जाइए और हम क्विज सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्विज सेशन के अंदर इसी सेशन से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस जो है आप जल्दी जल्दी उसका आंसर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव जो स्ट्रीम चल रहा है अभी आपके सामने करंट अफेयर्स द वेकअप शो को, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि बहुत स्टूडेंट्स जो है वो क्विज के सेशन को अटेंड कर सके। तो लास्ट न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन बुनियाद। बुनियाद का मतलब क्या होता है? बेस। तो मिशन बुनियाद टू इंप्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास 3 से लेकर क्लास 3rd से लेकर क्लास 8 तक, मतलब स्टैंडर्ड 3rd से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक एक प्रोग्राम चलाया गया मिशन बुनियाद, जो स्टूडेंट्स को के लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने में फायदेमंद होगा। तो इन अप्रैल में इसको लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट, मतलब अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होगा ना स्कूल्स का, तो वहां पर इस मिशन बुनियाद को
इम्प्लीमेंट किया जाएगा. दिल्ली गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट मिशन बुनियाद टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग प्राइमरी क्लासेस इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल स्कूल. तो राज्य सरकार के जो स्कूल्स हैं, दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स हैं और म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, वहां पर मिशन बुनियाद को लागू किया जाएगा कि किस तरह से लर्निंग स्किल्स के अंदर हमें और स्टूडेंट्स को क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट तक के स्टूडेंट्स को कैसे फायदा मिल सके. और गवर्नमेंट भी मानती है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी जो है उनके सर्वे के द्वारा ये पता लगा कि लर्निंग जो है बच्चों के अंदर साइंस की, मैथमेटिक्स की और लैंग्वेजेस की, वो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें पिछड़ रहे हैं. और लर्निंग जो है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, क्रैमिंग को छोड़कर, जो हमारे भी शो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्रैम नहीं करना है करंट अफेयर्स को, कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भैया ये कर लो, ये कैप्सूल है, ये क्रैक करो, उसको कर लो ना. कैप्सूल और क्रैकर भी करेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझने के बाद और उसको डिटेल में जानने के बाद कि वो जो चीज है रिटर्न में तो फायदा करे करे हमें, लेकिन जहां पर भी हमारा जिस भी पेपर में इंटरव्यू हो और ग्रुप डिस्कशन हो, वहां पर भी फायदा हो. वहां पर कौन आ जाएगा समझाने के लिए? वहां पर आप खुद बोलोगे. तो यहां पर लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने क्लास थर्ड टू क्लास एट मिशन बुनियाद की शुरुआत करी है. आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट और बच्चों के लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मिशन बुनियाद. अब इसी खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया है. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एज वी ऑल नो अरविंद केजरीवाल, और वहां के शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया. तो अनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड वॉज मेड बाय दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया. मिशन बुनियाद विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन विल फोकस ऑन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 टू क्लास 8. दिस प्रोग्राम हैज बीन प्लान्ड इन वेक ऑफ रिजल्ट्स ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे. तो एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी. तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू फाइंड आउट द लर्निंग स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. तो किस तरह से स्कूल के बच्चों को, स्कूली विद्यार्थियों को, हम उनके लर्निंग स्किल्स को किस तरह से बढ़ा सके, उसके लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई है. थोड़ा और इसको डिटेल में जानते हैं और कुछ सेशन की तरफ बढ़ चलते हैं. ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़िए, कुछ सेशन को अटेंड करिए और इस सेशन को हम समाप्त करते हैं. और नेक्स्ट जो है, एज पर फाइंडिंग ऑफ NAS जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, मेजॉरिटी ऑफ क्लास 3 to 5 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल ऑफ दिल्ली परफॉर्म पुअरली इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस. हमारे टाइम पर भी मैथमेटिक्स साइंसेज जो थे वो हमें परेशान करते थे, आज भी सर्वे के अंदर यही बताया जाता है कि किस तरह से ये बच्चों को परेशान करते हैं. मिशन बुनियाद विल रन फॉर 3 months फ्रॉम अप्रैल टू जून, ड्यूरिंग विच स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड on reading abilities and basic mathematics. Based on the assessment, students will be divided into groups for focused teaching. और उनको groups में बांटा जाएगा. Students who perform up to mark will be placed in उज्जवल group. जो up to mark मतलब बहुत अच्छा perform करेंगे, उनको उज्जवल group में रखा जाएगा. Those who score medium level marks, उनको उत्कर्ष group में ये हिंदी के शब्द हैं. उज्जवल का मतलब थोड़ा अच्छा, उत्कर्ष जिसके अंदर थोड़ी संभावना है. एंड ग्रुप वाइल दोज हु आर बिहाइंड देयर पीयर्स, और जो थोड़े पिछड़ जाते हैं उनको उद्यम ग्रुप में. उद्यम का मतलब क्या होता है? उनको परिश्रम की जरूरत है, उनको लेबर की जरूरत है, मतलब उनको मेहनत की जरूरत है. जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उद्यम ग्रुप, थोड़े उससे ऊपर है तो उत्कर्ष, और जो थोड़े अच्छे हैं उनको उज्ज्वल ग्रुप में रखा जाएगा. तो मिशन बुनियाद और ये 3 ग्रुप्स जरूर याद कर लीजिए. शिक्षा मंत्री का नाम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम अरविंद केजरीवाल. तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन जो है वो जरूर अच्छा लगा होगा. और अब हम क्विज की तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन क्विज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको टाइम देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, अगर व्यूअर्स जुड़ते हैं हमारे साथ तो वो जुड़े और हमारे साथ क्विज को अटेंड जरूर करें, जिससे उनको बेनिफिट जरूर होगा. तो 100 हो चुका है व्यूअरशिप और मैं चाहता हूं कि आज 150 से ऊपर जाए, इस चीज को, आंकड़े को हम पार करके लेकर जाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपेशन से ही बात बनेगी और पार्टिसिपेशन से बहुत सारे सजेशंस, कमेंट्स और बहुत सारे व्यूज आएंगे, जिसको हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे. आप अपने आप को इंप्रूव करिएगा और डेफिनेटली हमारा मेन टारगेट जो है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, और वो हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे विद दीज क्लासेस मेक माई एग्जाम की तरफ से. और मेक माई एग्जाम को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा मेक माई एग्जाम. और क्विज की तरफ बढ़ चलते हैं, टाइमिंग जरूर मिलेगी क्विज में 30 सेकंड्स की, और उसी 30 सेकंड्स में आपने आंसर देना है और मैं फटाफट उनके नाम लूंगा. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. इंडिया आर्मी अलॉन्ग विद विच कंट्रीज आर्मी बिगेन द 6th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति मिलिट्री ड्रिल. तो किस
इंडिया कंट्री के साथ इंडिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। आपको कंट्री का नाम बताना है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ इस एक्सरसाइज को शुरू किया है। जल्दी से बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर्स आने शुरू हो गए। बी बी इंडोनेशिया, वन बी बी कई जापान बोल रहे हैं। जो अभी जुड़े होंगे वो डेफिनेटली जापान या कई और कंट्री का नाम बोलेंगे। अगर सेशन को सुना होता तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा आसान सेशन होने वाला था। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी अलोंग विद विच कंट्रीज आर्मी बिगेन द सिक्स एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति मिलिट्री ड्रिल, तो वो इंडोनेशिया के साथ हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि अगली खबर क्या है हमारे पास, अगला क्विज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। व्हाट विल बी द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 जो 5 जून को इंडिया उसकी मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा उसको, उसका थीम क्या रखा गया है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इंडोनेशिया वॉज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वॉज बी, दैट वॉज इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एंड आपको जो है सही आंसर देना है इसका। बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कोई ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं। बिल्कुल, और सभी का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट, आंसर्स भी लेना जरूरी है अमरजीत जी, बहुत जरूरी है आंसर्स लेना। आंसर्स नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तो कोई बोलेंगे सर बहुत जल्दी जा रहे हो, ठीक है। अगर हम थोड़ा कम स्पीड से चले तो कम स्पीड से जा रहे हो सर, अगर हिंदी में बोल रहे तो हिंदी में मत बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोल रहे तो हिंदी में बोलिए। तो जनाब बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है और इस बैलेंस के चक्कर में ना कहीं मेरा बैलेंस ना बिगड़ जाए। तो कोई बात नहीं, आराम से चलिए, 8-10 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन के बाद क्विज है, क्विज को अटेंड करिए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए पेपर के अंदर। वो कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट विज्ञान नहीं है, करंट अफेयर्स है, जीके की बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। आपको सिर्फ उन बातों को याद रखना है, स्क्रीनशॉट करना है, दैट्स इट। और आपके सजेशन से राखों के ऊपर, व्हाट विल बी द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। राइट आंसर इज सेकंड का ए, जो मोस्टली स्टूडेंट्स उसका राइट आंसर दे रहे हैं। सेकंड का राइट आंसर इज ए, दैट इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इज द थीम जो 2018 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को इंडिया होस्ट करेगा, उसका थीम रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का आयोजन किया गया, उसका थीम क्या रखा गया। ए बी सी ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा और ये आंसर जल्दी जल्दी आएगा। बिल्कुल सही, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, आप सभी का धन्यवाद है। सजेशंस कमेंट्स सिर आंखों के ऊपर, मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ स्टूडेंट्स ही सिरमौर है आज के टाइम पर, और लेकिन स्टिल मैं आंसर्स ले रहा हूँ और आंसर्स जो है बिल्कुल, कई स्टूडेंट्स जो है सी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं, तो थोड़े कन्फ्यूज हैं क्योंकि ऑप्शन ही मैंने ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले डाले हैं और बड़ी मेहनत लगती है ये पीपीटीज बनाने में और स्लाइड बनाने में। तो खैर ये हमने डाला है, जरूर डाला है यहाँ पे वर्कर्स ऑन द मूव, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज बी, नॉट ए और सी, ए इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज बी। तो ए और सी इसका राइट आंसर नहीं है। वर्कर्स ऑन द मूव द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, तो उसका थीम क्या रखा है, वर्कर्स ऑन द मूव द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस। तो क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, सामाजिक न्याय की खोज के लिए किनको किनको सामाजिक न्याय देना है, वर्कर्स सोसाइटी को सामाजिक न्याय देना है, वो निचले तबकों को हमने सामाजिक न्याय देना है और उनको इक्वली खड़ा करना है, ये टारगेट है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, अलॉन्ग विद यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स विच मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल रिसेंटली, तो इंडिया ने रिसेंटली मतलब कल जो है किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कल परसों ओडिशा के तट अब्दुल कलाम आइलैंड से रिसेंटली हमने किस मिसाइल का टेस्ट फायर किया है। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स विच मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, तो अभी हमने अपने सेशन के अंदर इस क्वेश्चन को किया है और आप इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए कि फोर्थ का आंसर क्या है। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का. आंसर जो है ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई फिर भी ए बोल रहे हैं, तो ए इज नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज फोर्थ का बी, जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जो हैं, विशाल कुमार, वंदना, राकेश, मोहम्मद आरिफ, वंदना, हरकिरण, बिट्टू, अमरजीत, तो सभी का आंसर अमरगीत, सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है. और फोर्थ का राइट आंसर इज बी, अग्नि टू मिसाइल. तो हम राइट आंसर दिखा देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए. और राइट आंसर इज फोर्थ का राइट आंसर अग्नि टू मिसाइल. तो अग्नि टू मिसाइल इज द राइट आंसर. फोर्थ का राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि टू मिसाइल रिसेंटली फ्रॉम ओडिशा. और कौन से तट से? तो अब्दुल कलाम तट से. और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज कोबरा गोल्ड 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड. तो कोबरा गोल्ड 2018 एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कहां पर आयोजन हो रहा है उसका? 13 से 23 फरवरी तक, 13-23 फरवरी तक इसका ऑर्गेनाइजेशन कहां पर हो रहा है ये आप मुझे बताइएगा. कोबरा गोल्ड 2018 एंड मिलिट्री एक्सरसाइज, आपको इसका राइट आंसर देना है. कोबरा गोल्ड 2018 ए, बी और सी. बिल्कुल अग्नि टू जो है वो बिल्कुल सही है, अग्नि टू बिल्कुल सही है. देखिए, हाउ टू इंप्रूव जीएस जनरल स्टडीज को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए? तो आप अगर हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है वो है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. आप कभी भी आईएएस का इंटरव्यू पढ़िए, जो टॉप के आईएएस होते हैं उनका इंटरव्यू पढ़िए, वो अपने इंटरव्यूज में हमेशा बोलते हैं कि अगर आईएएस को क्वालिफाई करना है तो बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा और 6-12 की एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा. आप सोचोगे कि सर उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा और वो जो टाइम है वो हमारे पास नहीं है. तो डेफिनेटली मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि टाइम अगर नहीं भी दोगे तो भी वो टाइम निकलता जाएगा. क्यों ना आज से ही शुरुआत करें और कुछ बेसिक चीजों को अलोंग विद द प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं, जो आज की चीजें हैं और कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको जोड़कर हम पढ़ना शुरू करें और रिवीजन करें, नोट्स बनाएं. डेफिनेटली रिवीजन नोट्स जो है उसके थ्रू आप जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. वेयर डज कोबरा गोल्ड 2018 और ये कहां पर हुआ? तो राइट आंसर जो सभी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, कोई बी और कोई ए जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो सी बोल रहे हैं और सी इज द राइट आंसर. तो फिफ्थ का राइट आंसर इज थाईलैंड, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? यूएसआईबीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करके आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे और आज का सेशन जल्दी से समाप्त होगा. लेकिन दो क्वेश्चंस रह चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप अभी भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, बिहार स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है कई एग्जाम्स को अभी कंडक्ट करने जा रही है. तो वहां पे करंट अफेयर्स जो है मोस्टली पूछे जाते हैं, तो वो आपको बेनिफिशियल हो सके. तो इसका राइट आंसर दीजिए. तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है वो सही है. बिल्कुल द राइट आंसर इज सिक्स्थ का राइट आंसर इज ए, दैट इज वॉशिंगटन डीसी, द कैपिटल ऑफ यूएसए. द कैपिटल ऑफ यूएसए इज वॉशिंगटन डीसी. लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज जरूर बोल दूं कि रोज सुबह जुड़ना बहुत मुश्किल होता है सभी के लिए, लेकिन स्टिल आप जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर ये वीडियो और ये एफर्ट हमारा आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. और इस लाइव चैट के बाद कमेंट का सेक्शन ओपन होता है, वहां पर जाकर कमेंट्स और सजेशन जरूर दे सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप देंगे और उसके बाद मैं राइट आंसर को जरूर बताऊंगा. विच मिशन हैज बीन लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू इंप्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स? मिशन ज्ञान, मिशन बुनियाद या मिशन होशियार? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए. जिन्होंने सेशन सुना है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना तो मे बी उनके लिए बड़ा टफ हो सकता है. तो राइट आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है और बिल्कुल आपका नाम ले लेंगे जी, मिची एबियांग, मिची एबियांग आपका नाम ले लिया और आप बिल्कुल सही हो, आपका राइट आंसर है. और सेवन का राइट आंसर इज बिल्कुल जो सभी स्टूडेंट सभी व्यूअर्स बोल रहे हैं, मिशन बुनियाद, जो लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया. मिशन बुनियाद इज द राइट आंसर. तो देखिए जितने भी स्टूडेंट जितने भी व्यूअर्स आज जुड़े हमारे साथ, मैं अपकमिंग लाइव स्ट्रीम के बारे में बोल दूं कि अभी
8 बजे जो हमारा शो है करंट अफेयर्स द वेकअप शो, उसकी समाप्ति हो चुकी है, सेशन हमारा एंड हो चुका है। लेकिन लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, 11:30 पे हम दोबारा, आज 11:30 पे हम दोबारा बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक ड्यू टू केवीएस एग्जाम और ड्यू टू पीएसपीसीएल एग्जाम हम उसको कंडक्ट नहीं कर पाए थे। तो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास आज से शुरू हो रही है 11:30 लाइव, देखना ना भूलिएगा। और आज जो है मैं बैंकिंग अवेयरनेस क्लास की शुरुआत जो है वो नीरव मोदी और पीएनबी महाघोटाले के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा न्यूज है जो अभी रिसेंट टाइम में चला। कई कई स्टूडेंट्स को, कई व्यूअर्स को उनके टेक्निकल टर्म्स और कुछ ऐसे टर्म्स जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पीएनबी महाघोटाला जो अभी एक रिसेंट न्यूज है उसके बारे में तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन उन्हीं न्यूज से, उसी महाघोटाले से जितने भी टर्म्स हैं जो हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, पीयू के एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो जो है वो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल टीम की तरफ से एक और टारगेट आ गया कि 11:30 जो हम मिलेंगे ना, तो यही व्यूअर्स होने चाहिए और इससे भी ज्यादा व्यूअर्स होने चाहिए और 100 से ज्यादा व्यूअर्स होने चाहिए, तो जरूर आइएगा 11:30 जहां पर हम पीएनबी महाघोटाले की बात करेंगे और ऐसे तमाम बातों को जानेंगे और आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को भी वहां पर जरूर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।